नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम देखेंगे कि मेरे जो पास में पौधे दिख रहे हैं, ये जिनसिंग फाइकस की ग्राफ्टिंग वाली वैरायटियां हैं और इन वैरायटियों का आजकल भारत में बहुत चलन बढ़ गया है, क्योंकि चाइना और थाईलैंड से काफी मात्रा में इम्पोर्ट हो रहा है और उसके बाद में लोग यहाँ पर भी सीख रहे हैं कि किस तरह से इन पौधों की ग्राफ्टिंग की जाती है। वैसे तो भारत में ग्राफ्टिंग कई प्रकार से की जाती है, लेकिन जिनसिंग फाइकस चूंकि मदर प्लांट रखने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जिनसिंग फाइकस के आजकल मार्केट में बहुत सारे नर्सरी मैन ने, बहुत सारे प्लांट लवर ने मदर प्लांट बना लिए हैं और उन पौधों से ग्राफ्टिंग करके पौधे बना रहे हैं मनचाहे लुक में। आपने मार्केट में कई प्रकार के बोनसाई देखे होंगे जो टेढ़े मेढ़े से लगाकर कई प्रकार की बॉल्स में ये पौधे आते हैं और वो जो है सारा कमाल ग्राफ्टिंग का होता है। और उसी ग्राफ्टिंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है और उसके बाद में ये किस तरह से इम्पोर्ट होके किस मिट्टी में हमारे पास आते हैं और हमको उस पौधे की मिट्टी का रिपोर्ट, मतलब पौधे का रिपोर्ट कब करने की जरूरत पड़ती है, इन सारी चीजों के बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए सारी चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि ये यहाँ पर आपको कि ये पौधा जो है ये ग्राफ्ट हुआ है और ये इसकी पन्नी जो है फटने लग गई है। मैं आपके सामने ये निकाल रहा हूँ, ये देखिए ये पन्नी निकाली है और ये ग्राफ्ट कैसे हुआ है। ये एक पौधा है और उस पौधे के ऊपरी भाग को यहाँ से काटा गया है और काटने के बाद में इस तरह से एक चीरा इधर लगाया और एक तरह से एक चीरा इधर लगाया और साइड ग्राफ्टिंग की है यहाँ और यहाँ। दो पौधों की दो कलम से यहाँ पर ग्राफ्ट तैयार हुई है और ऐसे ही इस पौधे में सारे ग्राफ्ट किए हुए हैं। जैसे ये छोटा लिया, ये दो बड़े लिए, फिर एक छोटा लिया इस तरह से। ये यहाँ पर देखिए, मैं पन्नी निकाल के दिखा रहा हूँ। ये जो है बाहर का पौधा है, इम्पोर्टेड प्लांट है, अक्सर नर्सरियों में लोग खरीद रहे हैं पर पूरी जानकारी नहीं होने के कारण पौधे जो है यहाँ पर सूख जाते हैं। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो इसका मदर पौधा था उसमें से एक नया पत्ता आ रहा है और बहुत ही तेजी से आता है। जैसे हमारे यहाँ बेंजाबिना आता है, इस तरह से फाइकस की सैकड़ों वैरायटियां होती है और इन वैरायटियों को उनके ऊपर जो है स्लो चलने वाली वैरायटियों की ग्राफ्टिंग की जाती है। जैसे जिनसिंग फाइकस बहुत ही धीरे बढ़ता है, इसलिए इसकी ग्राफ्ट बनाने के बाद मनचाहा हम लोग इसकी ग्राफ्टिंग के बाद में कटिंग कर सकते हैं। इसीलिए मार्केट में आपको छोटे से लेकर बड़े तक इस तरह के जिनसिंग फाइकस देखने के लिए मिल रहे हैं और नर्सरियों का आजकल चलन भी वही बन गया है कि ट्रेंडिंग जिस चीजों का होता है, लोग मार्केट में जो चीजें पसंद करते हैं, जैसे आजकल लोग वायर के स्पाइलर ढांचे और इस तरह के बहुत सारे शेप पसंद कर रहे हैं, उसी तरह से बोनसाई में अलग अलग जो है इस तरह के शेप पसंद कर रहे हैं। और क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि जो प्लांट लवर है हर प्रकार का पौधा लेकर अपने घर में रखना चाहता है और उसकी केयर करना चाहता है। दोस्तों अभी हम जो है काफी दिनों तक जो है व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे हैं और हम पहले एक दिन छोड़ के वीडियो बनाते थे, लेकिन हफ्ते या दो हफ्ते में एक बार वीडियो बन पाता है, क्योंकि काम जो है थोड़ा बढ़ गया है और हमको जगह जगह पर साइटें भी देखना पड़ती है। नर्सरी के साथ में हमारा लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग का काम भी है, जो कि हम लोग उसको भी करने में थोड़ा टाइम चले जाता है, लेकिन आपके लिए बहुत सारे इस तरह के वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं ताकि आपको बहुत सारे नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों ये जिनसिंग फाइकस के बारे में बात करें, क्यों सबसे पहले आप एक मदर प्लांट लगाइए, और मैं हर वीडियो में आपको ये बोलता हूँ कि मदर प्लांट लगाइए। दोस्तों नर्सरी मैन कभी भी आपको बोलेगा नहीं कि मदर प्लांट लगाइए, क्योंकि आगे चलकर वो पौधा खुद बना लेगा तो नर्सरी पे कौन जाएगा। लेकिन मैं आगे की सोचता हूँ कि यदि हमारे जो प्लांट लवर हैं, यदि अपने घर पर एक मदर प्लांट लगा लेते हैं तो आने वाले समय में इस तरह की ग्राफ्टिंग हो, गुटी बांधना हो, एयर लेयरिंग हो, या किसी भी प्रकार की पद्धति से आपको जब उस पौधे की मदर में से कुछ ग्राफ्टिंग गुटी या इस तरह की कटिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो आप टहनी अपने ही पौधे से ले सकेंगे। ये आपके लिए एक सुविधा हो जाएगी। ये हर प्रकार के मदर प्लांट के लिए हो गई। मदर प्लांट क्या हो गया, नए जो व्यूअर है उनके लिए बताऊंगा कि कोई ऐसा पौधा जो कि पौधा हमारे घर पे बढ़ता है, उसके बाद में उससे कटिंग लेते हैं, उसकी ग्राफ्टिंग बनाते हैं, या तो हम उसके बल्ब लेते हैं या उसके साइड में से जो बच्चे निकलते हैं वो निकालते हैं। कई प्रकार की चीजें उसमें से निकलती है, जैसे फली किसी मदर में लगी तो फली में से जो है बीज निकाला, बीज को लगाने के बाद फिर पौधा बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि मदर प्लांट होने से आपके यहाँ
एक ऐसा पौधा हो गया जिससे कि आप उसी वैरायटी के बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में, क्योंकि ये आपके घर पे रहेगा तो आपको निःशुल्क तैयार हो जाएगा। रही बात क्या कि मदर प्लांट कितने कलेक्शन करें, तो मदर प्लांट जो जो आपको पसंद आते हैं उन वैरायटियों के मदर प्लांट रखिए और उनके समय समय पर हमारे वीडियो या और भी यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर आप पौधे बना सकते हैं और बखूबी इन पौधों को अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप, मैं इसके बारे में बता रहा था कि ये जो पौधा जो है बाहर से आया है और इसका रिपोर्ट नहीं किया है, आप ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा पौधा है और ये एकदम छोटे से गमले में ये सर्वाइव कर रहा है, जी रहा है। और ये इसलिए इसमें मिट्टी नहीं है क्योंकि जब इंपोर्ट करके पौधा इंडिया में आता है तो मिट्टी अलाव नहीं होने के कारण जो है इस तरह की सॉइललेस मीडिया में ये पौधा आता है और हल्का होने के कारण इस तरह से जो है, अब ये देखिए अब इसमें देखिए कुछ ही जड़ें हैं और ये इतना बड़ा पौधा एक छोटे से पॉट में बढ़िया चल रहा है और अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पौधे को भोजन मिट्टी से नहीं मिलता, इस पौधे को भोजन इसका जो सॉइल मीडिया है इससे नहीं मिलता, इस पौधे को भोजन ऊपर से दिया जाता है। इसीलिए बोनसाई पौधे बनाते हैं, उनको मालूम है कि पौधों में माइक्रोन्यूट्रिएंट समय समय पर देना पड़ता है अलग से, चाहे लिक्विड में दो या दानेदार दो, इसको समय समय पर आपको भोजन ऊपर से देना पड़ेगा, उसके बाद ये जिंदा रहेगा और धीरे धीरे ये पौधा अपनी खूबसूरती बिखेरता रहेगा आपके घर आंगन में। तो दोस्तों इस पौधे का रिपोर्टिंग हम करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी गर्मी है बहुत, काफ़ी तेज धूप है और इसलिए हम रिपोर्ट करेंगे इसको 15 जून के बाद में, ये जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम सारे बोनसाई का रिपोर्ट करेंगे, वो भी दिखाएंगे, इसको भी करेंगे। अभी इसके लिए हम सिरेमिक की अच्छी वाली ट्रे लाएंगे, उसके बाद इसको रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता होती है और जो प्लांट लवर है वो चाहता भी है, जो वीडियो बहुत सारे दिन भर देखते हैं और देखने के बाद में वो तय करते हैं कि कौन सा वीडियो अच्छा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे, इसीलिए इतना बड़ा परिवार हो गया है। और ये आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी सी यूनिक बातें आपको हम बताते रहते हैं जो नर्सरी में होता है, जो बीज लगाने से लगा के कटिंग और कटिंग के बाद पौधा सेल होने तक की आपको हम जानकारी देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये छोटी छोटी सी जानकारियां आपको पसंद आती होगी। इसी तरह की यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, द प्लांट गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे यूनिक वीडियो आप तक हमेशा पहुँचाते रहें। तब तक के लिए नमस्ते।